गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेंद्र सर आज फिर से क्लास 10 के लिए एक कविता लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। 10 क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी किताब फर्स्ट फ्लाइट से एक कविता लेकर के आया हूं, जिसका नाम है अमांडा, व्हिच हैज बीन रिटन बाय रॉबिन क्लेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। अभी आप लोगों ने गौर किया होगा कि इस कविता को शुरू करने के पहले मैंने आप लोगों के बीच कबीरदास की एक दोहा को रखा। प्यारे बच्चों, कबीरदास की यह दोहा इस कविता के लिए बड़ी सार्थक प्रतीत होता है। आप लोगों ने कबीरदास की इस कविता को कई बार सुना भी होगा, तो पहले मैं इसके मीनिंग पर आता हूं, फिर मैं आपको कविता से जोड़ता हूं। इस कविता का जो मीनिंग हुआ, इस दोहा का जो मीनिंग है वो ये है कि गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। प्यारे बच्चों, आप लोग अधिकतर ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए बच्चे हैं, आप लोगों ने कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा होगा, और अगर आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो जब आप देखें तो आप गौर करेंगे कि कुम्हार जब भी मिट्टी को कोई एक शेप देता है तो उसको बाहर से ठोकता है, पीटता है, मारता है, लेकिन उसका एक हाथ घड़े के अंदर होता है जो प्यार देता है, सहलाता है, और अंदर से प्यार देकर सहलाकर ऊपर से चोट मारकर कुम्हार एक मिट्टी को सही आकार देता है, तब एक घड़ा का निर्माण करता है। गुरु और शिष्य के बीच ऐसा ही संबंध होता है। गुरु भी अपने शिष्य पर अनुशासन इसलिए डालता है, शिष्य को इसलिए हमेशा डांटता है, टोकता है, कभी कभी पीटता है, क्योंकि गुरु को इस बात की परवाह होती है कि हमारी जो ये डांट है, ये जो फटकार है, आगे चल करके हमारा शिष्य एक अच्छा नागरिक बन पाए, एक सम्मानित देश का नागरिक बन पाए और जीवन में सफल हो पाए, इसलिए वो बाहर से चोट मारता है। इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि वह अपने शिष्य को चोट पहुंचाना चाहता है। एक्चुअली वह अपने शिष्य को प्यार करता है, इसलिए वह इस प्रकार की बातें करता है। प्यारे बच्चों, अमांडा जो कविता है, अमांडा इज द नेम ऑफ ए घर, एक लड़की का नाम है अमांडा, और इस पूरी कविता में एक मां और एक बेटी के रिलेशन को दिखाया है। हम जानते हैं कि मनुष्य का पहला गुरु उसकी मां होती है, और मां को हमेशा इस बात की चिंता होती है कि हमारा बच्चा कहीं बिगड़ न जाए। ध्यान देंगे 10 क्लास के सारे बच्चों, आप सबों की उम्र अभी 13 से 14 साल की रही होगी, और ये कविता भी लगभग जो अमांडा नाम की जो लड़की है,
ऐसा इस कविता में दर्शाया नहीं गया है उम्र के बारे में, लेकिन पता चलता है कि अमांडा की भी उम्र 12, 13 या 14 के बीच रही होगी। ध्यान दीजिएगा, इस उम्र के बच्चे, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, वो टीनएजर्स होते हैं। और टीनएजर्स यानी उम्र के इस पड़ाव को एडोलिसेंट पीरियड कहा जाता है। 10th class के जितने भी बच्चे हैं, ना तो अब आप बच्चे हैं और ना आप जवान हैं, आप बच्चे और जवानी के बीच एक जीवन की अवस्था होती है जिसे हम एडोलिसेंट पीरियड कहते हैं, यानी किशोरा अवस्था। प्यारे बच्चों, इस कविता को आप बड़े ध्यान से सुनोगे, बड़ा ही मीनिंगफुल डिडैक्टिक इंटरेस्ट इंस्ट्रक्टिव पोएम है। इस कविता के माध्यम से रॉबिन क्लीन, जो एक ऑस्ट्रेलियन पोएट है, रॉबिन क्लीन की चिंता हमेशा बच्चों के प्रति होती है, इसलिए वह इस प्रकार की उम्र से रिलेटेड कविता लिखते हैं। एंड थ्रू दिस पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू गिव ऑल ऑफ अस अ ग्रेट मैसेज ऑफ लाइफ, जीवन की एक बड़ी सीख देने का प्रयास किया है, खास करके उन बच्चों को जो एडोलसेंट पीरियड को से सफर कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, आपकी उम्र की स्थिति क्या होती है, आपकी उम्र की प्रॉब्लम क्या है? इन दिस एज अ चाइल्ड डजेंट वॉन्ट टू लिसन टू एनीबडी, ही डजेंट वॉन्ट टू रिमेन इन डिसिप्लिन, ही डज नॉट वॉन्ट टू इंपोज ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन आपको पसंद नहीं होता है, टोका टोकी आपको पसंद नहीं होता है, डांट फटकार अब आपको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इस उम्र तक आते आते बच्चे को इस बात का आभास हो जाता है, क्योंकि इस पीरियड के आने के बाद बच्चों में एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक उसकी बनावट एक अलग रूप लेता है, यानी फिजिकली यू बिकेम मैच्योर्ड बट मेंटली यू आर नॉट मैच्योर्ड। ध्यान रहे, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, यही विरोधाभास है कि शरीर ऐसा लगता है जैसे परिपक्व हो गया है, आप मजबूती फील करते हैं, इनर्जेटिक फील करते हैं, तो आपको लगता है कि शायद हमारा माइंड भी मैच्योर्ड हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली यह कविता आपके सिलेबस में इसलिए दिया गया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है, वहां एक मां ज्यादा डिसिप्लिन अपने बेटियों पर ही डालती है, बेटों पर कम डालते हैं। एक्चुअली होना चाहिए कि हम बेटे और बेटी को एक समान देखें, लेकिन हम लोग जिस परिवेश में जीते हैं उसमें बेटियों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बेटियां दो समाज को आपस में जोड़ती है। इसलिए जो हम पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा बेटियों के प्रति काफी चिंतित होते हैं और उन्हें हमेशा टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, जो बच्चा को बुरा लगता है। चलिए अब मैं इस कविता से आपको जोड़ता हूं, आपके सामने ये कविता की लाइन है और इस कविता से संबंधित वर्ड मीनिंग आपके सामने मैंने रखा है कि जब आप कविता को पढ़ो तो आप आराम से समझ सको। चलिए, पहला स्टेंजा आप देखिएगा, मैंने यहां मदर लिख दिया है, यानी एक मां अपनी बेटी को बोलती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। आपको पता है डोंट, किसी भी वाक्य के शुरू में अगर डोंट लग जाए मतलब वो मना कर रहा है, डोंट डू इट, आप इसे मत करो, इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म है। तो डोंट बाइट योर नेल्स,
बाइट मींस दांत से काटना, नेल मींस नाखून। अपनी बेटी, आप अक्सर देखोगे बहुत सारे बच्चों की आदत होती है वो नेल को बाइट करते रहता है, इट इज वेरी बैड हैबिट, अनहाइजीनिक भी है, क्योंकि नाखून में गंदगी रहता है, तो आप हमेशा बार बार अगर मुंह में लेंगे तो गंदगी फैलेगी, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। तो एक मां अपनी बेटी को सलाह देती है कि मत ऐसा करो, अपनी नाखून को दांत से तो मत काटो अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। हंच मतलब होता है क्या, कंधे को उचकाकर बैठना, दिस इज नॉट ए गुड पोजिशन टू सिट। तो मां कहती है कि तुम इस प्रकार से अपने कंधे को उचका करके मत बैठो अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट अमांडा। और कहता है कि बंद करो स्लाउचिंग, आप देखोगे एक वर्ड मैंने लिखा है भद्दे ढंग से चलना, यानी मूव लेजिली इसको हम कह सकते हैं, मतलब ऐसा मूव करना जो बड़ा आलस्य, मतलब यू आर नॉट मेंटेनिंग योर सेल्फ स्ट्रेट। क्योंकि बच्चे बड़े एनर्जेटिक होते हैं, उसका पोस्चर और बॉडी भी जो होना चाहिए वो एकदम सीधा तना हुआ होना चाहिए, जिससे लगे कि आपकी एनर्जी प्रदर्शित हो रही हो। तो मां कहती है कि बेटी तुम इस प्रकार से मत चलो भद्दे ढंग से, सिट स्ट्रेट, तुम सीधा बैठो। अब ध्यान दीजिएगा, पहली स्टेंजा के माध्यम से एक मां अपनी बेटी को कुछ सुझाव दे रही है, लेकिन सुझाव देने का जो तरीका है वो डांट और फटकार जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन मैंने पहले बता दिया है ये डांट और फटकार नहीं है, ये आपके जीवन को सही ढंग से तराशने का एक माता पिता का प्रयास है। अब देखिए आजकल के जो बच्चे हैं, हालांकि इस कविता का जो कैरेक्टर है वो अमांडा एक लड़की है, लेकिन जितने लड़के भी सुन रहे हैं वो भी ध्यान से देखेंगे, अब उसका अमांडा का रिएक्शन क्या होता है, वो कहती है देयर इज ए लैंग्विड इमराल्ड सी। अब देखिए एक तरफ मां उसको एडवाइस कर रही है, दूसरी तरफ जो बेटी है वो कहता है एक बड़ा सा समुद्र के बीच, इमराल्ड एक प्रकार का कलर है, ऐसे इमराल्ड एक स्टोन होता है जो लोग पहनते हैं जो नीला कलर का होता है, तो समुद्र का पानी जो होता है वो नीला कलर का होता है जो काफी शांत है, यानी अमांडा इज इन हर इमेजिनरी, वो एक काल्पनिक दुनिया में है कि काश मैं शांत समुद्र, नीले समुद्र के बीच, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, यानी खुला सा शांत समुद्र हो जहां मैं एकलौती निवासी हूं रहूं, यानी हमारे अगल बगल कोई नहीं हो, मैं अकेली रहूं, जो मन में आए सो मैं करूं। ये मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब देखिएगा अमांडा के मन में एक इमेजिनरी क्रिएचर आता है, मरमेड, आप लोगों ने जलपरी या मत्स्य कन्या के बारे में आप लोगों ने सिनेमा में देखा होगा, सुना होगा। तो जलपरियां कैसी होती है, जिसके मुंह का आकार आदमी का होता है और नीचे मछली की भांति होती है, यह एक काल्पनिक, एक्चुअली हम लोगों ने ओरिजिनल तो जलपरी देखा नहीं है, हम लोग सिनेमा वगैरह में देखे हैं, तो उस प्रकार से वो कल्पना कर रही है कि समुद्र के बीच एक जलपरी की भांति शांत समुद्र में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यानी धीरे धीरे मैं बह रही हूं, एकदम सुखद चैन का वातावरण है। ध्यान दीजिएगा आजकल के बच्चों की सोच कैसी हो गई है, वो बिल्कुल आजादी उसे चाहिए, ही वॉन्ट्स फ्रीडम। इस उम्र की एक परेशानी यह भी है कि आपको आजादी चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक आजादी
आपके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट संज्ञा, पहला मदर, दूसरा फिर अमांडा का रिएक्शन, इसी तरह आगे की कविता है। थर्ड संज्ञा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? आपको पता है कि माता पिता को हमेशा स्कूल में दिए गए टास्क होमवर्क की बड़ी चिंता होती है और बच्चे होमवर्क तभी पूरा करते हैं जब मां बाप डांटते फटकारते हैं। तो अमांडा की मां को चिंता है, वो कहती है कि अमांडा डिड यू फिनिश, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे क्या से शुरू होता है, यानी क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया अमांडा? डिड यू टीडी योर रूम अमांडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ सुथरा किया अमांडा? सारे वर्ड आपको मैंने दे दिए, आप वर्ड से एक एक लाइन को जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप आराम से खुद से समझ सकते हो। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मां कहती है कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? अमांडा क्या तुमने अपना रूम साफ सुथरा किया? क्योंकि बेटियां हैं तो बेटियों को हमेशा माएं कुछ न कुछ टास्क देती है, क्योंकि उसे पता है कि जब बेटियां शादी होकर के ससुराल जाएगी तो वहां उसे काम करना पड़ेगा। इसलिए माएं हमेशा बेटियों को कुछ न कुछ काम सिखाते रहती है। फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुमको तुम्हारे जूते को साफ करने के लिए कहा गया था, बिकॉज यू आर एट दिस एज वेयर यू कैन डू योर वर्क योर सेल्फ। क्योंकि अब आपकी उम्र 13 से 14 साल की है, अब आपको थोड़ा थोड़ा काम अपने से करना भी चाहिए। माता पिता का एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि काम करने से आप बहुत सारी चीज को सीखते हैं। तो यह मां का सवाल है। अब देखिए बेटी का रिएक्शन फिर क्या है। वो कहती है आई एम ऑर्फन, मैं एक अनाथ। देखिए अमांडा आजादी को पाने के लिए वो इतनी आतुर हो गई है कि वह अपनी तुलना एक अनाथ बच्चे से करती है। ध्यान दीजिए, ऑर्फन किसे कहते हैं? जिसके पेरेंट्स नहीं होते, माता पिता नहीं होते हैं, जिसको हर जगह जाने की आजादी होती है। और जो ऑर्फन जो चाइल्ड होता है ना, वो बचपन में बिगड़ जाता है, वो सिगरेट पीता है, वो चोरियां करता है, वो अनवांटेड चीजें करता है। प्यारे बच्चों, इस जगह एक चीज आप ध्यान रखोगे, आपकी जो उम्र है ना, उम्र के जिस पड़ाव पर आप हो, उस वक्त आपको बहुत सारे अनवांटेड चीजें आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। आपके गांव समाज में ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आजाद हैं, जो गाछ पर चढ़ के कूदते हैं, जो तालाब में घंटों तैरते हैं, जो पशुपाल में जाकर के गुल्ली डंडा खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुल्ली खेलते हैं, वगैरह वगैरह अनवांटेड चीजें करते हैं। और आप बच्चों को लगेगा कि देखो आह क्या उसकी जिंदगी है, कितना मजेदार वो लाइफ जीता है। लेकिन जितनी भी अनवांटेड चीजें जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता हो, समझ लेना वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का रास्ता है। इसलिए हमेशा हम अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की बातों पर ध्यान देंगे, उसके डांट को हमेशा हम लोग पॉजिटिवली लेंगे। लेकिन अमांडा क्या कहती है? आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं अनाथ बच्चों की तरह, काश मैं गलियों में सड़कों में विचरण कर रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फिट। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा गांव में हम लोग जब बच्चे थे तो बालू वगैरह पर हम लोग पैर से ऐसे ऐसे करके पैटर्न बनाते थे, आकृति बनाते थे, कोई डिजाइन बनाते थे। और ध्यान दीजिएगा बेयर फिट, यहां सूज की बात आई और यहां नंगे पांव की बात आ गई। यानी अमांडा यह सोचती कि खुली पांव, हमारे पास कोई जूते नहीं हो जिसे साफ करने की कोई बर्डन हो, हमारे कोई पेरेंट्स नहीं हो जो मुझे टोका टोकी करे, मैं जो चाहूं खुली सड़कों पर स्वतंत्र घूमता रहूं, विचरण करूं और अपनी खुली पांव से पैटर्न बनाओ, आकृतियां बनाओ। द साइलेंस इज गोल्डन, वो जो शांति होगा वो बड़ा सुनाला होगा।
द फ्रीडम इज स्वीट, और वो जो आजादी होगी वो बड़ी मीठी आजादी होगी। यानी यहां मीठी आजादी और सुनहला शांति की तलाश में अमांडा है, जो आने वाले समय में उसके जीवन को बिगाड़ सकता है। अब आगे और दो स्टेंजा है, हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पूरी कविता का, ताकि आप अपनी कॉपी में सारे वर्ड मीनिंग को उतार लें, और कविता पढ़ते वक्त सामने में आप किताब रखें और फिर आप कविता को पढ़ें। देखिएगा आप कविता को काफी इंजॉय करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने चार पैराग्राफ पढ़ा, चार स्टेंजा पढ़ा सॉरी, और ये तीन स्टेंजा फिर आपके सामने है। आपको पता है कि मैं जो अभी आपको बता रहा हूं, एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है, डांट रही है। जो एक बेटी को अच्छा नहीं लग रहा है, याद रखिएगा एक वर्ड मैंने यूज किया था भी, एडोलिसेंट पीरियड, किशोरावस्था, याद रखेंगे। इसको जीवन की स्टॉर्म ऑफ लाइफ कहा जाता है, जीवन की आंधी कहा गया है। आंधी क्या होता है कि कुछ देर के लिए ही आता है, लेकिन सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे जीवन की इस पीरियड को अपने आप को कंट्रोल कर लिया, वही जीवन में आगे चल करके सफल होगा। चलिए आगे, और मां का एडवाइस क्या है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। बच्चों को चॉकलेट खाने की बड़ी आदत होती है, लेकिन हम जानते हैं कि चॉकलेट अधिक खाने से दांत सड़ जाते हैं, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम है। तो मां करिए कि अमांडा तू हमेशा चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने। एक्ने मतलब मुहासा, क्योंकि लड़कियों के लिए एक बड़ी मायने रखता है कि वो खूबसूरत रहे, उसके चेहरे क्लीन हो, क्योंकि पिंपल्स आ जाने के बाद दाग हो जाते हैं, जो माँ को बड़ी चिंता होती है। तो अपनी बेटी को समझाती है कि अपनी तो मुहासे का भी ध्यान रखना है, इसलिए चॉकलेट खाना ज्यादा बंद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। बड़ों को एक बात बड़ी बुरी लगती है, जब हम किसी को कुछ बोल रहे हैं और अगर वो मेरी बातों पर ध्यान न दे। तो वही मां कहती है, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगे अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो कम से कम मेरी ओर देखो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम तो बड़ा इनडिसिप्लिन नजर आ रही हो। अब देखिए, तो फिर ये हो गया मदर का, ये फिर रिएक्शन है अमांडा का रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन क्या है, आई एम रापुंजेल। प्यारे बच्चों, थोड़ा समय या एक फेरी, फेरी मैंने होता है परी, परियों की कथा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी परियों की कथा है। उसमें रापुंजल नाम की एक परी है, इसकी जो स्टोरी है, उसको जो डायन होती है, जो विच होती है, वो उसको कैद कर लेती है, और डायन उस परी को कैद करके एक ऊंचे टावर में बंद कर देती है। कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन थोड़ी सी जो शॉर्ट है ताकि आप समझ पाए। और फिर डायन चली जाती है अपना काम करने के लिए, घूमने के लिए, और फिर डायन जब आती है तो यह आदेश दिया रहता है रापुंजल को कि तुम अपना बाल नीचे कर देना। रापुंजल अपना बाल नीचे कर देती है और डायन फिर उस बाल के सहारे उस टावर पर चढ़ती है। तो अब देखिए, अमांडा का रिएक्शन कहती है कि आई एम रापुंजल, काश मैं उस परी की भांति होती, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन ये टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, अगर मेरी जिंदगी भी रापुंजल की भांति उसी टावर में कैद होता, शांत होता, बड़ा दुर्लभ होता, तो मुझे बड़ा मजा आता। कम से कम मां की इस किचकिच से तो दूर रहती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन अमांडा एक बड़ा डेयरिंग लड़की है, बड़ा दुस्साहसिक लड़की है। वो कहती है कि भले रापुंजल अपने बाल को नीचे कर देती थी ताकि उसके बाल के सहारे डायन चढ़ जाए, लेकिन मैं तो अपनी बाल कभी नीचे
नहीं करती ताकि मेरी शांति को, मेरी आजादी को कोई भंग कर पाता। यानी यहां जो रिएक्शन है, अमांडा रापुंजेल परी की कल्पना करती है और वह अपनी जिंदगी एक टावर में कैद, जहां शांति हो, सन्नाटा हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ऐसी लाइफ के बारे में सोचती है। अब लास्ट जो है कहते, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा तुम ये रूठना, नाराज होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। मां को बड़ा दुख होता है कि इस लड़की को इतनी बातें कह रहे, इस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो कहता है, तुम इतनी मूडी हो, इतनी तुम अपनी मन की हो, जो तुम्हारे ऊपर कोई बात का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अमांडा ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार से मैं बोल रही हूं और तुम मेरी बातों को अनसुनी कर रही हो। अगर कोई देख ले हमें तो लोग मुझे ही दोष देंगे ना। लोग कहेंगे कि मैं तुमको तंग कर रही हूं, मैं तुमको डांट रही हूं, मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई हूं। इसका भी वर्ड मीनिंग मैंने यहां आपको स्टेंजा वाइज लिख दिया है ताकि कविता पढ़ते वक्त आप आराम से वर्ड मीनिंग को समझ पाए और लाइन को समझ पाए। एंड हियर द पोएम एंड्स हियर। तो इस कविता के माध्यम से हम लोगों ने क्या देखा प्यारे बच्चों, कि एक मां अपनी बेटी को संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, कोड ऑफ लाइफ का जो कंडक्ट है, वो सारी बातों को सिखाने का प्रयास करती है जो हर माएं करती है। लेकिन अमांडा आजकल के नौजवान एडोलसेंट प्रिएट की तरह एक ऐसी स्वतंत्र विचार वाली लड़की है जिसको आजादी चाहिए, जिसको नए आइडियल्स चाहिए, जिनको डिसिप्लिन, ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन, कल्चर पसंद नहीं है। थ्रू दिस पोएम द पोएट हैज ट्राइड टू गिव मैसेज टू बोथ मदर एंड डॉटर। हर मां को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए इस लाइन के माध्यम से कि जब आप अपने बच्चों को कोई सलाह दे रहे हैं तो आप उसके मूड का भी ख्याल करिए और प्यार से उसे अगर आप समझाएं तो शायद उस पर आपकी बातों का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप हमेशा उसे डांटने के अप्रोच से डांटना चाहेंगे सो शायद उसको बुरा लगेगा। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ही मजा आया होगा। थैंक यू। अब अगले वीडियो में इस कविता से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो मैं लेकर के आऊंगा।